तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। पहले उसको पढ़ते हैं क्या कहता है। ये कहा गया है, इन इन अ हाइपोथेटिकल स्फेरिकल गैलेक्सी द मास डेंसिटी इज गिवन बाय रो इज इक्वल टू के बाय आर। कहने का मतलब यह है कि जो गैलेक्सी है, आपने देखा होगा स्काई में जो है गैलेक्सी होता है, छोटे छोटे स्टार्स उसमें दिखते हैं, है ना। तो उसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म रहता है एक्चुअल में जो गैलेक्सी होता है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये हाइपोथेटिकल इसीलिए कहा गया है कि इसमें हमें यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन मान करके चलना है। ऐसा मानना है कि जो स्टार्स हैं वो इस तरह से एक दूसरे के आसपास जो है वो रखे हुए हैं कि वो एक स्फेरिकल जो है गैलेक्सी बना रहे हैं, स्फेरिक स्फेयर जैसा शेप बन रहा है, और उसमें भी जो डेंसिटी है वो किसी पर्टिकुलर रूल के हिसाब से वेरी कर रहा है। जैसे जैसे सेंटर से दूर जा रहे हैं तो डेंसिटी घट रही है। देखेंगे यहाँ पर आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाया गया है। आर क्या है? सेंटर से डिस्टेंस है ना। तो जैसे जैसे गैलेक्सी के सेंटर से दूर जाएंगे तो डेंसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है, उधर स्टार्स जो है थोड़े कम होते जा रहे हैं, ऐसे कर सकते हैं। फिर आगे क्या कहा गया, यहाँ तो डेंसिटी के बारे में बताया गया। आगे कहा गया, इफ प्लैनेट इज रोटेटिंग एट आर नॉट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ गैलेक्सी, फाइंड रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड टी एंड रेडियस आर नॉट। मतलब कि जो प्लैनेट है वो रोटेट कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड जो है सेंटर से डिस्टेंस आर नॉट के टर्म में निकालना है। ऑप्शन देख सकते हैं आप, टाइम पीरियड की वैल्यू निकाली गई है आर नॉट के टर्म में, है ना। तो हमें पता है कि जब टाइम पीरियड निकालना होता है तो हम लोग न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करते हैं, है ना। देखेंगे कि फोर्स कितना लगेगा, जो फोर्स उस पर लग रहा होगा वो एक्चुअली में सेंट्रीपेटल फोर्स होगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल होगा। तो हम लोग एक डायग्राम बना करके जो है सबसे पहले उसका मास निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज ये सेंटर है ना, और ये सेंटर से जो है आर नॉट डिस्टेंस पर यहां पर ये प्लैनेट है, ठीक है। तो वैसे तो स्टार हर जगह भरे हुए हैं, इसमें हर जगह ये भरे हुए हैं, और हो सकता है कि आगे भी हो इधर भी हो, लेकिन बाहर वाले जो हैं उनका रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर जीरो आएगा। क्यों? जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर स्फेरिकल कैविटी होती है स्फेयर के अंदर, अगर कॉन्सेंट्रिक कैविटी होती है तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होता है ना। तो अगर हम लोग इसके बाहर का जो स्फेयर बचेगा उसकी बात करें तो उसकी वजह से इस प्लैनेट पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा। तो जो भी इस पर फोर्स लगेगा वो ये जो स्फेयर दिख रहा है आर नॉट रेडियस का, इसकी वजह से इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो पहला काम तो हमें ये करना होगा कि आर नॉट रेडियस का जो स्फेयर बन रहा है गैलेक्सी का उसका मास निकालेंगे और उसकी वजह से इस प्लैनेट पर ग्रेविटेशन फोर्स निकालेंगे। तो मास कैसे निकालें? मास निकालने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि यहां से आर डिस्टेंस पर जो है डी आर थिकनेस का एक स्फेरिकल शेल लेते हैं, है ना। आर रेडियस है इसका और डी आर थिकनेस है इस स्फेरिकल शेल का, ठीक है। तो इस शेल का अगर हमें मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम डेंसिटी इनटू इसका शेल का वॉल्यूम। शेल का वॉल्यूम का मतलब हुआ है जो शेडेड वॉल्यूम है वो वाला वॉल्यूम लेंगे, जो कि आएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। 4 पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस डी आर, तो ये वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे कि जो रो है वो दिया गया है के बाई आर, क्वेश्चन में ऐसा डेंसिटी बताया गया, तो इसको हम लोग रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो ये अल्टीमेटली आ गया 4 पाई के आर डी आर, है ना। एक आर नीचे से और एक ऊपर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया मास इस शेल का। मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, है ना। इसको इंटीग्रेट करता हूँ कहाँ से कहाँ तक? जैसे ये 0 से R0 तक, है ना। 0 से R0 तक मतलब इसके अंदर का ही हमें मास निकालना है। तो मास में मान लेता हूं कि कैपिटल एम है, इसके अंदर टोटल मास कैपिटल है। तो इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे
इंटीग्रेशन करके, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 4 पाई के आर डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू, और आर नॉट लिमिट रखेंगे 0 से आर नॉट, तो ये हो जाएगा आर नॉट स्क्वायर बाई टू, है ना। तो ये आया 2 पाई के इंटू आर नॉट, ठीक है, ये मास आ गया। अब ये जो मास है एक्चुअली में स्फेरिकल है, तो उसकी वजह से इस प्लैनेट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो लगेगा जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर नॉट स्क्वायर। स्मॉल एम इस प्लैनेट का मास है और कैपिटल एम इस गैलेक्सी का मास है, गैलेक्सी मतलब जो कि आर नॉट रेडियस के अंदर का, ठीक। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इस फोर्स की वजह से ये प्लैनेट सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस प्लैनेट पर लगेगा सेंटर की तरफ, जो कि ओमेगा स्क्वायर इंटू आर नॉट, इतना ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स आया है उसको मैं लिख सकता हूं मास इंटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास इंटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आ गया, तो ये स्मॉल एम और ये स्मॉल एम कैंसिल हो गया, दोनों प्लैनेट का मास है, ठीक। इसमें से जो कैपिटल एम है, जो गैलेक्सी का मास है, उसको हमने यहां पर कैलकुलेट किया है, तो वैल्यू रख देते हैं 2 पाई के आर नॉट, यहां पर ये आ गया डिवाइडेड बाई आर नॉट स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया यहां पर। और इसके आगे इधर आ गया ओमेगा स्क्वायर इंटू आर नॉट, है ना। तो यहां से अगर हम देखें तो एक आर नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर देखेंगे थोड़ा सा छोटा सा मिस्टेक है, वो ये है कि यहां जो आर नॉट स्क्वायर है वो आर नॉट स्क्वायर रहेगा यहां पर, तो इस आर नॉट स्क्वायर को हम लोग कैरी करेंगे, तो ये आर नॉट स्क्वायर और ये आर नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा की जो वैल्यू यहां से आएगी वो आ जाएगी 2 पाई के जी डिवाइडेड बाई आर नॉट का रूट, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड होता है वो एक्चुअली में होता है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई अंडर रूट आर नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई के जी, ठीक। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 2 पाई आर नॉट डिवाइडेड बाई के जी, है ना। तो ये जो है आंसर है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। इसमें देखेंगे जो ऑप्शन 3 है ये मैच कर रहा है ना। तो जो टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू होनी चाहिए अंडर रूट 2 पाई आर नॉट डिवाइडेड बाई के जी, है ना।